हेलो एस पी एस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वॉचिंग एस पी एस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु आपके बर्थ चार्ट में जिस राशि में प्लेस्ड होता है, उस राशि का लॉर्ड अगर सैटर्न के साथ प्लेस्ड हो तब आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चार्ट्स होते हैं जहाँ पर मैंने देखा है कि राहु जिस राशि में है, जैसे राहु एरीज में है और एरीज का लॉर्ड मार्स सैटर्न के साथ प्लेस्ड है किसी दूसरे हाउस में, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप सोचते हैं, कुछ भी आपकी सोच हो, जो भी आपकी डिज़ायर हो, वो चीज़ सिर्फ सोचने से नहीं होगी। वहाँ पर आपकी जो सोच है वो काम नहीं करेगी। यानी कुछ सोच रहे हो, बनना चाहते हो, करना चाहते हो, पाना चाहते हो, वो चीज़ आपको वैसे नहीं मिलेगी। आपको कुछ भी अगर मिलेगा तो वो शनि के कारण ही मिलेगा। शनि मतलब आपका कर्म। कर्म को समझना बहुत ज़रूरी है अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है। अब आपका कर्म क्या है? कर्म वो होता है जो समाज के लिए हो, जो पब्लिक के लिए हो। जैसे अगर आप एक डॉक्टर हैं, एक टीचर हैं, एक आर्किटेक्ट हैं, तो जो भी चीज़ आप दूसरों के लिए कर रहे हैं उसी के थ्रू आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर आपको राहु के लॉर्ड को देखना है कि राहु का लॉर्ड अगर शनि के साथ बैठा है तो इसके बाद आपको मेहनत करनी है, इसके बाद आपको एफर्ट्स लगाने हैं और आपकी जो सक्सेस है वो 35 की एज के बाद आपको मिलनी शुरू होगी। और अगर आप कुछ भी शॉर्टकट करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। सोचने के लिए आप आज़ाद हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो आपका कर्म है वही प्रधान है और उसी के थ्रू आपको जीवन में सक्सेस मिलेगी अगर राहु का लॉर्ड सैटर्न के साथ प्लेस्ड है, और 35 के बाद आपको ये सक्सेस मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें और भी देखनी है। इसके लिए आपको ये देखना है कि राहु का लॉर्ड जहाँ पर प्लेस्ड है उस राशि का लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि उस राशि के लॉर्ड से ही राहु गेन करेगा। और कर्म आपको शनि का करना है तो राहु के लॉर्ड की प्लेसमेंट जहाँ पर होती है उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी आपको देखना है। अगर वो कम्बस्ट हो जाता है, रेट्रोगेट हो जाता है, वीक हो जाता है, केतु के साथ प्लेस्ड है या सैटर्न के साथ प्लेस्ड है या राहु के साथ प्लेस्ड है, तो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यानी राहु का लॉर्ड राहु के साथ अगर प्लेस्ड है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, राहु का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है जाके, अगर राहु का लॉर्ड अपने ऑन साइन में है तो बात अलग है, लेकिन राहु का लॉर्ड अगर किसी दूसरे साइन में है तो उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट को आपको देखना है और आपको अपने सैटर्न की प्लेसमेंट को भी देखना है। साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि कहीं वो कम्बस तो नहीं है, कहीं वो रेट्रोगेट तो नहीं है और कहीं वो अपने डेबिलिटेशन में तो नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपने कर्म के द्वारा आपको सक्सेस मिलेगी और 35 के बाद आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया राहु के बारे में कि राहु के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर सैटर्न के साथ होती है तब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में या अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।